दोस्तों यदि तो आप कैजुअल गेमिंग और एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए एक बढ़िया टैब को ढूंढ रहे हो तो यह है मेरे पास लिनोवो की तरफ से आने वाला M10 सीरीज का सेकंड जनरेशन टैबलेट जो कि आता है फुल एचडी स्क्रीन के साथ में। वैसे इस टैब की कंप्लीट अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस और इस पर कनेक्ट होने वाले कुछ बढ़िया वायरलेस गेम पैड्स के बारे में। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने टैब की तरफ। तो फ्रेंड्स मेरे पास है इसका ये 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। हालांकि आप इसकी स्टोरेज को तो फर्दर माइक्रो एसडी कार्ड से एक्सपेंड कर सकते हो लेकिन ये आता है सिर्फ 2GB की रैम के साथ में। लेकिन फिर भी इस पर आपको परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बढ़िया मिलती है क्योंकि ये आता है बिल्कुल स्टॉक यूज़र इंटरफेस के साथ में। तो ये है मेरे पास कुछ बढ़िया वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर्स जिन्हें कि आप अपने लिनोवो टैब के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ इस तरह के वायरलेस रिसीवर के साथ में आने वाले गेम पैड को अपने टैब के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको अलग से OTG अडैप्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने टैब के साथ में कुछ इस तरह के ब्लूटूथ गेम पैड को यूज़ कीजिए जिसे कनेक्ट करने के लिए आपको अलग से वायरलेस रिसीवर को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यह है मेरे पास LiveTech का ब्लूटूथ वायरलेस गेम पैड जिसे कि हम अपने लिनोवो टैब के साथ में कनेक्ट करेंगे। वैसे मार्केट में अब इस LiveTech गेम पैड का नया वर्जन अवेलेबल है जो कि LiveTech Human गेम पैड के नाम से आपको Amazon पर मिल जाएगा और उसके लिंक्स मैं आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो गेम पैड को अपने टैब के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको अपने गेम पैड को X इनपुट पर सेलेक्ट करना है जिसे करने के लिए आपको इस एक्स की और एंड्रॉयड की को एक साथ में प्रेस करना है और आप अब देख सकते हो कि हमारा गेम पैड जो है वो पेयरिंग मोड पर चला गया है। उसके बाद हमें जाना है अपने टैब की ब्लूटूथ सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको अपने गेम पैड का नाम जो है वो दिखाई दे रहा होगा। आपको सिंपली इस नाम पर टैप करना है और हमारा गेम पैड हमारे टैब के साथ में इंस्टेंटली पेयर हो जाएगा। तो गेम पैड अब हमारा टैब के साथ में कनेक्टेड है और मैं जल्दी से आपको यहाँ से एक गेम को प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो सके। तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर गेम्स को मैंने ऑलरेडी अपने टैब पर जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है जैसे कि ये एसफॉल्ट 9 और फ्री फायर जैसी पॉपुलर गेम। और पहले अब हम यहाँ पर प्ले करेंगे इस एसफॉल्ट 9 गेम को जो कि ये काफ़ी हैवी गेम है और इससे आपको इसकी परफॉर्मेंस का काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि ये एसफॉल्ट 9 जैसी गेम हमारे टैब के साथ में जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर लेती है। हालांकि ग्राफिक्स पे आपको इतने बढ़िया देखने को नहीं मिलते और बीच बीच में फ्रेम ड्रॉप्स भी मिलेंगे क्योंकि टैब की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से गेम की ग्राफिक क्वालिटी ऑटोमेटिकली लो पर सेट है। लेकिन ओवरऑल हमारा ये ब्लूटूथ गेम पैड हमारे टैब के साथ में काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कई बार इस तरह का लैग जो है वो आपको गेमिंग करते वक्त जरूर से दिखाई देगा। और इस पर मैंने इस फ्री फायर गेम को भी टेस्ट किया था जो कि स्टैंडर्ड ग्राफिक सेटिंग्स में हमारे टैब के साथ में ठीक ठाक परफॉर्म करती है। हालांकि स्टैंडर्ड ग्राफिक सेटिंग्स में हमें इस गेम में ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिलते और हमारी ये गेम इस टैब के साथ में बढ़िया परफॉर्म करती है। और उसके अलावा मैंने कुछ कैजुअल गेम्स को भी इस टैब के साथ में टेस्ट किया और ये MotoGP जैसी गेम हमारे टैब के साथ में काफ़ी स्मूथली परफॉर्म करती है। हालांकि गेमिंग करते वक्त हमारा टैब जो है वो हल्का सा हीटअप जो है वो जरूरी से होगा लेकिन ओवरऑल कुछ इस तरह की कैजुअल गेमिंग को ये काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल करता है। और यहाँ पर एक बात मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे ये टैब आता है डुअल डॉल्बी एटमोस स्पीकर के साथ में तो ऐसे में आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलती है। और यही तो आप इसे स्पेशली कैजुअल गेमिंग या फिर एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए परचेज करना चाहते हो तो फिर तो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी डील रहेगी क्योंकि एक तो 13,500 रुपये की प्राइस में इसमें हमें फुल एचडी स्क्रीन देखने को मिलती है और दूसरा इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है क्योंकि ये आता है डॉल्बी एटमोस साउंड के साथ में। और वैसे इस लिनोवो टैब की कंप्लीट अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आखिरी में अब हम बात करते हैं कि क्या इस 13,500 रुपये की प्राइस में स्पेशली गेमिंग के लिए आपको इस टैब की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। तो ये तो आप कुछ कैजुअल सी गेमिंग के लिए इस टैब को आप परचेज करना चाहते हो तो फिर तो आपके लिए बढ़िया डील रहेगी। और यही तो आप एसफॉल्ट 9 और भी बढ़िया ग्राफिक्स वाली गेम्स को खेलना पसंद करते हो तो फिर तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसके 4GB रैम वाले वेरियंट की तरफ ही जाइएगा क्योंकि इसके इस 2GB रैम वाले वेरियंट में हमें गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करना और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।